हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। शाहरुख खान की एक और ऐड आई है थम्स अप की, और उसका एनालिसिस करते हैं कि क्यों ये ऐड बहुत अच्छी है या फिर ये ऐड अच्छी नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर आपको दो दो शाहरुख खान दिखने वाले हैं जवान की तरह, और जो लुक है जवान की, जो यंगर वाला जवान था, उसकी एक्सटेंशन यहाँ पर दिख रही है। तो कोई भी मतलब दो दो एलिमेंट कॉमन निकल के आ रहे हैं। बट क्या ये थम्स अप के लिए एक अच्छी ऐड है कि नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तीन चार चीज़ें मेरे को यहाँ पर नोटिस में। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर इंडिया वर्ड का इस्तेमाल किया ना कि भारत का। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जो भी बोलना चाहते हैं, उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री से किस वर्ड से सबसे ज्यादा एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए सबसे ज्यादा एसोसिएट इंडिया से करते हैं तो इंडिया, नहीं तो भारत, नहीं तो जो भी हिंदुस्तान, जिससे भी रिलेट करते हैं, आप उस शब्द का इस्तेमाल करने का आपको फ्रीडम होना चाहिए इस डेमोक्रेसी के अंदर। आप थोपना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये है यहां पर कि इंडिया शायद इसीलिए भी यूज़ किया गया क्योंकि चक दे इंडिया आई थी और उसमें भी शाहरुख खान थे, और स्पोर्ट्स वाला मामला था यहाँ पर, है वर्ल्ड कप वाला मामला। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है शाहरुख खान से रिलेटेड जो वो बात कर रहा है, ये जद्दोजहद अपने आप से होती है बहुत सी बारी कि यार इंडिया इस बारी मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्या हमें इतना दमखम है कि नहीं है, हम बेइज्जती तो नहीं करा देंगे कहीं। ये जो अनश्योरिटी होती है वो कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा होता, वो हमारे अंदर ही होती है। तो जो इनसाइट पकड़ी गई है कि हर फैन के अंदर ये जद्दोजहद चलती रहती है, यार इस बारी क्या होगा, यार इस बारी क्या होगा, कैन वी मेक इट और नॉट, लास्ट टाइम कब जीता था, इस बारी क्या चांसेस हैं, कौन कौन है हमारे साथ, कौन हमारे अगेंस्ट है, ठीक है, तो हमें किसके साथ अच्छी बॉलिंग करनी है, किसके साथ अच्छी बैटिंग करनी है, किसके साथ अच्छी स्ट्रैटेजी करनी है, किसके साथ अच्छी फील्डिंग करनी है, ये सारी बातें जो है वो चलती रहती है दिमाग के अंदर। तो इनसाइट जो है वो बहुत अच्छी पकड़ी गई है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, जो कि है थम्स अप। देखो, थम्स अप हमेशा ही स्टैंड आउट करा है अपने थ्रिलिंग एक्ट्स के लिए, और थ्रिलिंग एक्ट्स में उसने अपनी एक अलग से डिस्टिंक्ट सी पोजीशनिंग बनाई है। जहाँ पर अगर आप कोको कोला की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एक डिस्टिंक्ट पोजीशनिंग मिलती है ओपन हैप्पीनेस टाइप की, जहाँ पर एक सटल सॉफ्ट बिहेवियर से फैमिलीज या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक अच्छा टाइम काट रहे हैं। वहीं पर अगर आप स्प्राइट की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा यंग डूड टाइप लोग आपको देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे बाकी सब बकवास, और जो पेप्सी है उसका एक अलग स्टैंड है। यहाँ पर जो थम्स अप का स्टैंड है हमेशा थ्रिलिंग, चैलेंजिंग योर सेल्फ, और इस हद तक जाता है जहां पर कुछ स्टंट्स की भी बातें आ जाती हैं। शाहरुख खान की पठान आने से पहले थम्स अप की एक और ऐड आई थी, और उसके अंदर वो इतना जबरदस्त हाई ऑक्टेन एक्शन दिखाया था कि लोगों ने ये समझ लिया था कि शायद यही ट्रेलर है पठान का। काफी लोगों ने बोला पठान का ट्रेलर जो है अनएक्सपेक्टेडली आ गया है, तो ऐसा होता है क्योंकि वो इतना अच्छे से मैच कर गया ब्रांड के ईथोस के साथ कि बिल्कुल ब्लेंडेड लगने लग गया। बट यहां पर मुझे लगता है कि जहां ऐड बहुत बढ़िया है, शाहरुख खान बहुत ज्यादा स्मार्ट हैंडसम लग रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग बाय योर कंट्री एंड इवेंचुअली अपने आप को ही मना लेना कि नहीं मेरी कंट्री सबसे आगे जाएगी जाएगी, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन जो बात ठीक मुझे नहीं लगी वो ये नहीं लगी कि जो ईथोस हैं कोको कोला के वो यहाँ पर ज्यादा फिट होते हैं ना कि थम्स अप के। सो इफ द ब्रांड मैनेजर्स आर लिसनिंग एट थम्स अप, यू मेड अ ग्रेट एड बट मे बी इट इज स्लाइटली डिसजॉइंटेड फ्रॉम योर ईथोस, एंड इफ इट इज नॉट प्लीज एक्सप्लेन मी। बाय बाय।